बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स केयरिंग टिप्स। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजरी तोते कलोनी के अंदर क्यों लड़ते हैं और उनकी लड़ाई को हम किस तरह रोक सकते हैं। उसको रोकने के लिए चार तरीके मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहला तरीका ये है कि जितने जोड़े आपने कलोनी के अंदर रखे हुए हैं उससे ज़्यादा मटकियाँ लगाएँ। यानी अगर आपने दो जोड़े रखे हुए हैं तो चार मटकियाँ लगाएँ, अगर चार जोड़े हैं तो छः मटकियाँ लगाएँ। इस तरह आपके बर्ड्स के लिए मटकी चूज़ करना आसान हो जाएगा और वो अपनी पसंद की मटकी का इंतखाब करके उसमें रहेंगे और लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि मटकियों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। यानी जब भी आप मटकियां लेकर आएँ तो उन सब का साइज़ एक जैसा हो, छोटी बड़ी मटकियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप छोटी या बड़ी मटकियाँ लगाएंगे अपने कलोनी के अंदर तो ये भी बजरी तोतों की आपस में लड़ाई का बायस बन सकती हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि मटकियों की ऊंचाई एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जब आप मटकियाँ लगाएं अपने कलोनी के अंदर तो उन एक ही लाइन में हों, ऊंची नीची ना लगाएं, वरना ये भी लड़ाई का बायस बनता है। और चौथा तरीका ये है कि जो फीमेल ज़्यादा तंग करे तो उसको पैर के समेत उठाएं और किसी और पिंजरे में उसको अलग से रख दें। ये तरीका आपने तब आज़माना है अगर आप पीछे वाले जो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आप आज़मा चुके हों लेकिन फिर भी आपका मसला हल ना हो, तो चौथा तरीका ये है कि आप उस पूरे पैर को उठाएं और अलग कर दें। लेकिन इस बात का बखूबी आपने ख्याल रखना है कि उस पैर ने अंडे ना दिए हुए हों, उस पैर को उठाएँ जिसने अंडे ना दिए हों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।